हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड के सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट को आप वर्ड की हेल्प से ही किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट करने का। यहाँ पर आप देखिए, ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो इन दोनों का ही हम यूज़ करके देखेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के साथ ट्रांसलेट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर कुछ वर्ड है छोटे मोटे आपके, कुछ एक दो वर्ड आपने लिखे हुए, तो उनको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा कंप्यूटर, या हम यहाँ पर लिख देते हैं इसकी जगह पर चेयर, और इसको आपने सिलेक्शन कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ट्रांसलेट के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन से आपका ट्रांसलेट जितना एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा है हमने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और ट्रांसलेट वाले में आप देखेंगे लैंग्वेज आपके, देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा इंग्लिश हिंदी जो भी आपका होगा, और हमें ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे डेनिश में करना है, तो यहाँ पर डेनिश पे क्लिक किया, और अब देखिए यहाँ पर डेनिश में इसको इंस्टॉल इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट कहाँ पर करवाना है ध्यान रखिएगा, जैसे आगे करना है मुझे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इंसर्ट पर क्लिक करिए और ये आपका इंसर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसर्ट होकर नहीं आया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको सिंपली आप कॉपी भी कर सकते हो और वहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से भी आप इसका हेल्प से पेस्ट और कॉपी यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेकेंड है डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट वाला। जैसे अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है पूरे टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को। ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद जस्ट आपको जहाँ इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्शन में आ गया, डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर सकते हो, ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और मुझे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है जो मेरा डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर हम ट्रांसलेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये ट्रांसलेटिंग कर रहा है और ट्रांसलेट करके आपको एक फ़ाइल वहीं पे आपको कन्वर्ट करके ये दे देगा। इस तरीके की इंग्लिश की फ़ाइल अलग थी हमारी, और ये हमारे हिंदी में आ गया। इंटरनेट एक विशाल डिजिटल क्षेत्र मानवताओं को पहले की तरह आपस में जोड़ता है। तो ये देखिए आप पूरा यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और एकदम ये सटीक आपको देता है इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट यहाँ पर ट्रांसलेट करके देगा। देखिए वहाँ पर कुर्सी लिखा था, तो कुर्सी मतलब चेयर का कुर्सी होता है, तो वो भी यहाँ पर ट्रांसलेट होकर आ गया, जो जो हमने वहाँ पर लिख रखा था अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और एमएस वर्ड का कंप्लीट सीरीज़ देखिएगा, इसमें लास्ट में आपको नोट्स कैसे मिलेंगे वो भी आपको पता चलेगा।